जीजू तुझे ड्रॉप करने क्यों नहीं आया? अरे कहा ना, दादी को डॉक्टर के पास ले जाना था। लेकिन तूने बाहर तो कहा कि जीजू शूट पे। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, पहले दादी को डॉक्टर के पास ले जाना था, उसके बाद शूट पे जाना। तो जीजू को लेट हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, हम दोनों दादी को लेकर जाते हैं। मैं फोन करती हूँ जीजू को। अरे मैं कुछ छुपा रही है ना मुझसे दी? क्या छुपा रही तू? बताती, मैं वो घर छोड़कर आ गई। ये बिल्कुल मजबूरी थी, तभी उनके बच्चे की मां बनने वाली। ये क्या कह रही थी तू? हाँ बिल्कुल, अगर मैं वो घर नहीं छोड़ती तो तनु की शादी इनसे नहीं हो सकती थी और उस बच्चे को एक अच्छी परवरिश नहीं मिल पाई। तो वो जो प्रेगनेंसी का पूरा कंफ्यूजन था वो भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि वो रिपोर्ट जो मेरे नाम पे आई थी वो एक्चुअली तनु की थी। तो मैंने बहुत बहुत ऐसे मत कर बोलो प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से दादी को मनाया और दादी को कन्विंस किया कि पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। कुछ नहीं हुआ, मैं कह रही हूँ ना, तूने कुछ भी नहीं बताया प्रज्ञा, कुछ भी नहीं। तो सब कुछ अकेले सहती रही, मुझे तो पता था। देखिए आप इस वक्त इसे मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक। तो फिर मैं क्या सोचूं? बच्चे की शादी टूट गई, वो अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई, मैं क्या सोचूं? हाँ तुझे पता है ना, अब कभी भी अपना कुकुर नहीं ले पाएगी। तेरा भाग्य इस गुमसुम से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसे कुछ नहीं होगा। तू तेरा घर टूट गया है, हमेशा के लिए आ गए। तुझे समझ आ रहा है ना क्या हुआ है तेरे साथ? आप परेशान समझ रही है ना? परेशान मत होइए प्लीज, प्लीज परेशान मत होइए। क्यों ना हूँ मैं परेशान? क्यों ना हूँ मैं परेशान? इतने अरमान में से शादी की और खुद आई थी अभी कि ये रिश्ता मांगने, तो मना भी कर रही थी। इसका मतलब धोखा किया है ना उन्होंने धोखा किया है हमारे साथ। अभी तो पहले से ही वो तनु से शादी करना चाहता था। तो पहले से तनु कहा था? नहीं बीच में मत बोल, तुम दोनों ने मुझसे बात छुपाई, दोनों ये बात जानती थी लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। तुम तो बोली ना, इसलिए उन्होंने तेरे साथ धोखा किया। लेकिन मैं बोली नहीं, मैं जाकर एक एक से हिसाब लूंगी। ऐसे कैसे मेरी बेटी के साथ वो कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या मैं अभी जाऊंगी तेरे घर, अभी। माँ 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 जी माँ तरला माँ 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 प्लीज 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 रुक जाइए। उन्होंने कुछ जानबूझ कर नहीं किया, सब कुछ अनजाने में हुआ माँ, और उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है। मैं सच कह रही माँ, ऐसे गुस्से में वहां जाएंगे तो बात बहुत बिगड़ जाए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो मुझे रोक ले ना, मेरी जीत की तूने, तो कुछ भी कर ले, अपने सब लाश छोड़ के यहाँ आ जा, मैं कुछ नहीं बोलू। दो परिवारों ने मिलकर रिश्ता तय किया है, अभी की दादी खुद चलकर आई थी तेरा रिश्ता मांगने, और तू तो शादी भी नहीं करना चाहती थी ना उस अभिषेक प्रेम से। मुझे लगता था कि तुम दोनों के विचार एक नहीं है, तुम दोनों की नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारी परवरिश एक नहीं है, लेकिन मैंने तुझे बनाया। मैंने तुझे कहा कि वो एक अच्छा लड़का है, उसकी दादी इतनी अच्छी है, उसकी दादी ने तुझे बनाया, तब जाके तूने हाँ। मुझे नहीं पता था बेटा कि वो हमें ये दिन दिखाएगा, आज उसने ये दिन हमें दिखा दिया। आप भी नहीं जानते आप कर रहा क्या? प्रज्ञा की शादी टूट गई, अब प्रीत से पूछ लो। हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर मायके वापस आ गई बीजी, अभी अपने ससुराल कभी वापस नहीं जाएगी बीजी, अपने घर कभी नहीं जाएगी, यही रहेगी अपने मायके में हमारे साथ। दीदी कब तक इस तरह से चुप बैठी रहोगी? कुछ खा लो ना। कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा।
के सब लोग? जब आपने प्रज्ञा को बाहर फेंकने में हिम्मत दिखाई है तो जरा मेरे सवालों का जवाब भी दे दो। सरला जी, हम जानते हैं आप गुस्से में हैं और हम आपके गुस्से का मतलब भी समझते हैं। नहीं समझते, आप समझ ही नहीं सकती कि मुझे इस समय कितना गुस्सा आ रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। आप समझ नहीं सकती क्योंकि आप बेटी की मां नहीं है ना। उस बेटी की मां जिसको मैंने 9 महीने अपने कोख में रखा है और इतने लाड प्यार से पाल कर उसे आपको सौंप दिया, आपके पोते की बहू बनाकर। और आप कह रही है कि आप समझती है? आप तो वो लोग हैं जो सोचते हैं कि बहू को बेटी बनाने से हम उसे प्यार दे रहे हैं, लेकिन आपने उसे बेटी तो क्या, आपने उसे बहू भी नहीं समझा। सरला जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खाली बेटी बोलने से को बहू बेटी नहीं बन जाती, पर हमारा यकीन कीजिए, उतनी तकलीफ ना सही पर तकलीफ से हम भी गुजर रहे हैं। अगर आप इतनी तकलीफ से गुजरती ना तो ये नहीं होने देती जो आपने होने दे। हमने बहुत रोका, बहुत मनाने की कोशिश की हमने। आपने उसे रोकने की कोशिश की? नहीं, अगर आपने रोकने की कोशिश की होती तो वो रुक जाती। रास्ता मुझे तो कितने सपनों के साथ, कितनी खुशी के साथ मैंने अपनी बेटी तुम्हें सौंपी। ब्याह कर लेकर आए थे तुम इस घर में उसे अपनी पत्नी बनाकर। कोई जबरदस्ती नहीं की थी किसी ने। उसने तुम्हारे परिवार को अपना परिवार माना, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी दादी को इज्जत दी, तुम्हारे घर के सभी परिवार वालों को इज्जत दी, और तुमने मेरी बेटी की इतनी बड़ी बेइज्जती की। अगर उसे प्यार नहीं कर सकते थे तो कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत करो। अगर उसके साथ रिश्ता नहीं निभा सकते थे तो कम से कम एक नाजायज रिश्ता तो मत रखते। उसमें आंटी जी, मेरा और अभी का रिश्ता नाजायज नहीं है। और दूसरी बात, आपको कोई हक नहीं बनता अभी से इस तरीके से बात करने का, क्योंकि आपकी बेटी खुद चाहते थे कि अभी मुझसे शादी करे। तनु, स्टे आउट ऑफ दिस। क्यों? मुझे बात करने दो, मेरा पूरा हक बनता है। तनु, चुप रहो। हमेशा मुझे क्यों चुप कराया जाता है? प्यार करते तो हर कोई आके हमारे प्यार पे उंगली क्यों उठाता है? पहले प्रज्ञा हमारे पीछे आई, अब उसकी माँ के ये कह रही है कि तुमने उसे घर से निकाला। शाम तनु, तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुमने जानती सरलाटी मेरी माँ जैसी है और क्या बोला तुमने? माँ जैसी? तुम्हें मतलब भी पता है माँ का कि माँ क्या होती है? अरे माँ वो होती है जो बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसे अपने खून से सींचती है, चलना सिखाती है, उसे खाना सिखाती है, उसे जिंदगी का सामना करना सिखाती है। और जो बेटी की माँ होती है ना, वो हमेशा बस एक ही सपना देखती है कि कब उसकी पत्नी बड़ी होगी, कब एक राजकुमार उसके घर आएगा, उसे ले जाएगा, दोनों मिलकर अपना घर बसाएंगे और सुखी रहेंगे। पर तुमने सब सपने चकना चूर कर दिए। तुम्हें मैंने अपना बेटा माना था, मैंने कहा था ना बुलबुल और प्रज्ञा के साथ साथ अब तुम भी मेरे बेटे हो। तुमने मुझे कभी अपना माने, फिर अभी क्यों ये नाटक कर रहे हो माँ जैसी वाला? अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते तो तुम कभी मुझे वो दुख नहीं देते जो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। मुझे लगा था कि बस अगर मेरे कोई बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी बच्चियां मेरा करूँ ना, लेकिन अगर मेरा बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए था। लेकिन आज जो देखा है, मेरी बेटी को इतना दुख दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी किसी को बेऔलाद रखे, लेकिन तेरे जैसा बेटा ना दे। तेरे जैसा बेटा किसी को होने ही नहीं चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।